गुड मॉर्निंग गाइस, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में क्लास पढ़ लिया था मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल के बारे में। देखिए, ओव्यूल के बारे में, ओवरी के बारे में हमने पढ़ा था, फिर ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमें उसके अंदर का ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ना है क्लास, लेकिन उससे पहले आपके कुछ पॉइंट हैं जो आपको नोट करने हैं। देखिए, ओवरी जो होती है, एपोकार्पस ओवरी भी होती है, सिंकार्पस ओवरी भी होती है। ठीक है, वो आपकी इंटर में है ये सब चीज़ें। तो एपोकार्पस ओवरी में क्या होता है क्लास, जो ओवरी होती हैं वो मतलब दो होती हैं या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। और सिंकार्पस में क्या होता है, ओवरी जो होती हैं दो से ज़्यादा तो हो सकती हैं, मतलब जो कार्पल्स होते हैं आपके, जो कार्पल बोलते हो ना इन्हें, इसमें कार्पल दो से ज़्यादा हो सकते हैं, कार्पल भी बोलते हो, पिस्टल भी बोलते हो, और इसमें कार्पल्स जो होते हैं वो दो से ज़्यादा हो सकते हैं पर एक साथ फ्यूज्ड होते हैं, जैसे ये फ्यूज्ड हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो ओवरी मतलब जो कार्पल होते हैं फ्री होते हैं, दो से ज़्यादा तो होते हैं पर वो फ्री हैं, देखिए 1 2 3। ठीक है, और यहाँ पे जो हैं वो फ्यूज हैं एक साथ। सिंक कार्पस में क्या होता है, आपके दो से ज़्यादा कार्पल होंगे पर वो एक साथ आपके क्या होंगे, फ्यूज होंगे। और एपोकार्पस में क्या होता है, एक से ज़्यादा ओवरी होंगी पर वो कैसी होंगी, फ्री होंगी। क्लास नेक्स्ट पॉइंट है आपका नंबर ऑफ ओवरीज टू और मोर, मतलब इसमें ओवरीज दो और दो से ज़्यादा हो सकती हैं, इसमें नंबर ऑफ ओवरीज वन ही होती है। देखो ओवरीज वन है इसमें, देखिए ओवरी वन है और इसमें कितनी है, तीन है। पिस्टल कार्पल दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ओवरी इसमें सिंकार्पस में कितनी होगी, एक होगी। और इसमें आपके ओवरी आपकी तीन हो सकती, तीन या तीन से ज्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है क्लास, दो या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन कार्पल भी दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ओवरी एक होगी, इसमें ओवरी कई हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका सच, ओवरी इज ऑलवेज यूनिलोक्यूलर, मतलब इनकी ओवरीज में हमेशा यूनिलोक्यूलर प्रेजेंट होगा। यूनिलोक्यूलर मैंने आपको बताया था, जैसे ये स्ट्रक्चर है आपका, सपोज ये स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, ये जो पार्ट था जिसमें आपके ओव्यूल लगा था ये यूनिलोक्यूलर था। ठीक है, तो आपका एपोकार्पस में यूनिलोक्यूलर आपका हमेशा प्रेजेंट रहता है। और इसमें क्या होता है सच, ओवरी कैन बी यूनिलोक्यूलर और मल्टीलोक्यूलर, इनकी इनकी जो ओवरी में होगी कि इनकी जो ओवरी होगी इसमें यूनिलोक्यूलर होगा या मल्टीलोक्यूलर, मतलब लोक्यूलर ज़्यादा भी हो सकता है और यूनि भी हो सकता है। ठीक है, ऑन मेजोरिटी इट्स फॉर्म फ्रूटलेट्स और एग्रीगेट टाइप ऑफ फ्रूट, मतलब एक गट्ठर टाइप के फ्रूट में ये नज़र आते हैं जब ये मेच्योर हो जाते हैं। ठीक है, और ये एक सिंपल फ्रूट के फॉर्म में नजर आते हैं, एक फ्रूट के फॉर्म में। ठीक है, गट्ठर जैसे गट्ठर फ्रूट्स के फॉर्म में नजर आते हैं। ठीक है क्लास, ये हो गया आपका एपोकार्पस, ये हो गया सिंकार्पस। मैं इसकी क्लिप आपको भेज दूंगी, थैंक यू क्लास।